नमस्कार, आज समाज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुलदीप बिश्नोई को लेकर, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा के विषय बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। उन्होंने खुद अपनी पत्नी रेणुका बिश्नोई के विधानसभा चुनाव न लड़ने की बात भी कही थी। कुलदीप ने अपने बयान में कहा था कि किस्मत कब पलटा खा जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए वह हमेशा CM पद को लेकर अपनी दावेदारी जताते रहेंगे। उस टाइम कुलदीप ने यह भी कहा था कि मैं अकेला नेता ऐसा नेता हूँ जो पूरे हरियाणा के गांवों में दो बार गया हूँ, हर गांव में हमारा वर्कर है और वोटर है, ये सब दावे के साथ वह कहते हैं। अब हाल फिलहाल जो उन्होंने एक और जो दावा ठोका है, उन्होंने 3 सीटों के लिए दावेदारी ठोकी है। 1 सीट पर भाई के लिए, 1 बेटे के लिए और 1 दोस्त के लिए उन्होंने BJP की टिकट मांगी है। हरियाणा में जो इलेक्शन को लेकर काफ़ी सरगर्मियाँ चल रही हैं, तो कुलदीप बिश्नोई ने जो दावेदारी की है, कुलदीप बिश्नोई ने हिसार की 2 विधानसभा और फतेहाबाद की 1 सीट पर अपने परिवार की दावेदारी जताई है। कुलदीप ने बेटे, भाई और दोस्त के लिए टिकटें मांगी हैं। कुलदीप को पूरी उम्मीद है कि भाजपा कम से कम 3 सीटें तो उन्हें दे ही देगी। उनके इस बयान से भाजपा नेताओं की टेंशन बढ़ गई है, बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि उसमें से 1 सीट जो है रणबीर गंगावा की है, जो वहाँ से विधायक हैं और पिछड़ा वर्ग के चेहरे भी हैं और साथ में वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी हैं। ये सीट जो है नलवा की है। कुलदीप इस सीट से अपने दोस्त रणधीर पनिहार जोर लगा रहे हैं। इस सीट के लिए केंद्र को भेजे गए पैनल में रणधीर पनिहार का नाम भी है। अब बात करते हैं कि कुलदीप बिश्नोई की दावेदारी इतनी मजबूत क्यों है। कुलदीप बिश्नोई हिसार के आदमपुर के रहने वाले हैं। हाल ही में भाजपा ने उन्हें चुनाव प्रचार समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया था। दोनों कमेटियों में होने की वजह से 3 सीटों को वह अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। फतेहाबाद से चचेरे भाई दूड़ाराम और आदमपुर से बेटे भव्य बिश्नोई भाजपा विधायक हैं। पेंच नलवा सीट पे फंसने के चांस है, क्योंकि भाजपा के रणधीर पनियार को टिकट देने के लिए डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगावा का टिकट काटना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है आगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस बीच में एक और ख़ास बात है कि क्योंकि आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के अवसर पर भजनलाल परिवार ने खट्टर जो है, मनोहरलाल खट्टर पूर्व CM, उनसे किनारा कर लिया है। 1 साल पहले जहां खट्टर को जन्माष्टमी कार्यक्रम में बुलाया गया था, वहीं इस बार उन्हें इसका न्योता नहीं दिया गया। पिछली बार मनोहरलाल जन्माष्टमी के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस जगह मौजूदा CM नायब सैनी को बुलाया गया है। हिसार के बिश्नोई मंदिर में 26 अगस्त को गुरु जम्बेश्वर भगवान की 574वीं जयंती और जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। इस बार कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलदीप बिश्नोई करेंगे। तो आगे क्या होता है, कुलदीप बिश्नोई की जो है 3 सीटें उनको मिल पाती है नहीं है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजनीति से जुड़ी हुई और लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।